लेकिन आप यू रियली फील इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपका एक अपना नजरिया है, पीपल्स पार्टी का एक अपना नजरिया है, डू यू रियली थिंक आप इकट्ठे चल सकते हैं इफेक्टिवली? नहीं, इकट्ठे चल किस मकसद के लिए? अगर मकसद ये है कि मुल्क के मुस्तकबिल की बात करनी है तो इकट्ठे ना सिर्फ चल सकते हैं बल्कि चलना चाहिए। अगर आप ये कहें कि हम एक दूसरे में जम हो जाएं, एक जमात बनकर इलेक्शन लड़ें, ये शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना वर्कर्स को एक्सेप्ट करता है, ना जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, ना जो बैकग्राउंड है वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि कहाँ एक वक्त एक पेट फाड़ना था रीगल चौक के ऊपर और दूसरे वक्त जफ़ी मार देनी थी। अब इस तरह जब आप वर्कर की बात करते हैं तो वर्कर तो फिर बड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि यहाँ तो पेट फाड़ रहे थे, यहाँ वो जफियाँ मार रहे हैं। नहीं, जफ़ी किस चीज़ की? शहबाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी नहीं, अपोजिशन में है, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, बड़ी जमात हैं नेशनल असम्बली की अपोजिशन में, और पीपल पार्टी भी हमारे 84 मेंबर हैं, उनके 56 मेंबर हैं, तो एक जॉइंट आपने अपोजिशन क्रिएट करनी होती है। अपोजिशन में तमाम जमातें होती हैं और उसमें इत्तेफाक राय इश्यूज पर डेवलप करना होता है, तो उस सिलसिले में हमारी रोज़ मीटिंग होती है।